एनिमे बूथ चैनल के ऊपर हम लोगों को नारुतो शिपन को कैसे दिखाया जाएगा वो भी अपडेट निकल के आ चुका है फुल पावर के साथ। माय हीरो एकेडमी का सीजन 7 का रिलीज डेट भी आ चुका है और एनिमे ईयर ऑफ द अवार्ड मतलब भाई एनिमे ट्रेंडिंग्स अवार्ड के अंदर एक ऐसे एनिमे को मिला है जिसे सुनने के बाद आप लोग शॉक होने वाले हैं। सब कुछ बात करेंगे सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। फुल बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है स्पाई एक्स फैमिली की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं भिकमंगे फैमिली यानी कि पैसे छाप फैमिली ने अब पबजी के साथ कोलैब कर लिया। हाँ गाइस स्पाई एक्स फैमिली और पबजी का बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हो चुका है और हम लोगों को अब हमारे जो ना स्पाई एक्स फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स पबजी के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं यानी कि बीजीएमआई के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लिटरली बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है इसके ऊपर। तो जल्द ही सारे कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं यानी कि उनके क्लाउड्स वो मतलब सब कुछ देखने के लिए मिल सकते हैं। बात की जाए दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में तो गाइस ये निकल के आ रही है डंडा डन। हाँ गाइस इस एनिमे को हम लोगों को मतलब अक्टूबर के महीने में दिखाया जाने वाला है वो लिटरली ये नाम एकदम जबरदस्त है डंडा डन भाई जबरदस्त एनिमे ये भी होने वाला है तो अक्टूबर महीने में मैं देखने के लिए मिलने वाला है। बात की जाए और एक एनिमे अपडेट के बारे में तो ये निकल के आ रहा है डान माची एनिमे के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं डान माची एनिमे के सीजन 5 को हम लोगों को 2024 यानी कि इसी साल दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। अब बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है जुजुत्सु काइसन की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं जुजुत्सु काइसन की यानी कि सुकुना के मैगजीन का मतलब और एक कवर आ चुका है आप लोग देख सकते हो यानी कि उसका इलस्ट्रेशन का कवर आ चुका है तो लिटरली रिलीज हो चुका है एक जबरदस्त है भाई सुकुना के मैगजीन के लिए मतलब न्यू मैगजीन के लिए कवर आ चुका है तो बहुत बड़ी बात है। उसका और एक भी कवर आया जो मुझे थोड़ा सा बकवास लगा। बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है एनिमे ट्रेंडिंग अवार्ड्स की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं उस अवार्ड के अंदर हमारे मार्शल को मतलब बेस्ट कॉमेडी मतलब एनिमे का अवार्ड मिला है और उसको मिलना भी चाहिए था और क्रंचीरोल के अंदर नहीं मिला था तो कोई ना यहां मिल चुका है उसे। उसके साथ साथ इसके अंदर बेस्ट यानी कि एनिमे ईयर ऑफ द जो अवार्ड है ना उसे ना हेवेनली डिल्यूजन यानी कि हेवेनली डिल्यूजन एनिमे को दिया गया है तो बहुत बड़ी बात है। मैं सोचा था कि कुछ और ही देखने के लिए मिल सकता है लेकिन यहां कुछ और ही देखने के लिए मिला है तो लिटरली हेवेनली डिल्यूजन ने भाई इस अवार्ड को जीता है। हमारा दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वो भी एनिमे बूथ की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं एनिमे बूथ चैनल के ऊपर हम लोगों को नारुतो शिपन को रीटेलीकास्ट करके दिखाया जाएगा बल्कि अपडेट निकल के आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सोनिया के ऊपर पहले नारुतो शिपन को हिंदी डब में दिखाया जाएगा उसके बाद ही नारुतो शिपन को मतलब रीटेलीकास्ट के तौर पे हम लोगों को एनिमे बूथ चैनल के ऊपर दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। तो लिटरली ये मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट अपडेट है मेरे ख्याल से ऐसा ही होने वाला है सिर्फ हिंदी डब में ही एनिमे बूथ चैनल के ऊपर दिखाया जाने वाला है। बात रही और एक चीज की तो मैं आपको बता दूं कि मतलब बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस को हम लोग को सोनिया चैनल के ऊपर ही दिखाया जाएगा लेकिन बात रही तो भाई इसको हिंदी डब में हम लोग को एनिमे बूथ चैनल के ऊपर दिखाया जाने वाला है मतलब रीटेलीकास्ट करके दिखाया जाएगा। पहले सोनिया के ऊपर ही दिखाया जाएगा बाद में रीटेलीकास्ट करके मतलब एनिमे बूथ चैनल के ऊपर हम लोगों को दिखाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं खतरनाक एनिमे अपडेट के बारे में जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैं आपको बता दूं द बॉय एंड द हीरोइन मूवी को भाई साहब बेस्ट एनिमेटेड मतलब जो मूवी है ना उसे ना ऑस्कर का अवार्ड मिला है बेस्ट एनिमेटेड मूवी है बोल के लिटरली भाई बहुत बड़ी बात है इस मूवी के लिए। और मैं आपको बता दूं इसने जो ना स्पाइडरमैन की स्पाइडरवर्स की जो मूवी थी उसको बीट करके ही इसको जीता है। तो लिटरली इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई ये कैसे जीत सकती है मतलब स्पाइडरमैन की उस मूवी को ही जीतना चाहिए था वगैरह वगैरह लेकिन उसी मूवी के जो क्रिएटर यानी कि डायरेक्टर थे उन्होंने मतलब एक्नॉलेज किया यानी कि स्वीकार किया कि भाई साहब द बॉय एंड द हीरोइन को ये मिलना चाहिए था बोल के तो बहुत बड़ी बात है। तो अब बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है माय हीरो एकेडमी के सीजन 7 के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं इसका ट्रेलर आ चुका है फुल पावर का ट्रेलर यार। और बात की जाए इसकी रिलीज डेट की तो गाइस इसे हम लोग को मई 7 से दिखाया जाएगा यानी कि एयर होने वाला है लिटरली 7 मई से हमें दिखाया जाएगा 7 मई से तो बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हाल ही ने मतलब हाल ही में मैंने इसके सीजन 6 को कंप्लीट किया है तो भाई फुल पावर में से मैं देखने वाला हूँ। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से लिख दीजिएगा। अपने फेवरेट एनिमे का नाम भी लिखिएगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो मतलब अपडेट लेने की मतलब लाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को दबा देना मतलब सब्सक्राइब करके अपना प्यार बरसाओ। मैं आपको अपडेट देकर मतलब देके अपना प्यार बरसाऊंगा। और एग्जाम आ रहे हैं तो भाई पढ़ाई कर लो भाई और लिटरली पढ़ाई करना जरूरी है। तो मिलते रहेंगे ऐसे इंटरव्यूज के अंदर। जय हिंद वंदे मातरम दत्ते भाई। तो मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ तो भी जा रहा हूँ पढ़ाई करने। बाय बाय।